हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस की। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी कि उसमें हम चैप्टर डिस्कस जो करेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ठीक है, रेलगाड़ी पर आधारित समस्या, वो वाली हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें टाइम स्पीड, इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस की, देखिए सभी जानते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपका जो स्पीड होता है, यानी स्पीड इक्वल टू आपकी होती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये आज हम बात करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें सीखने के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको सीखने की बहुत ज़रूरत है, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अगर हम सीखेंगे कुछ चीज़ें तो वो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें समझ लीजिए, छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये होती है कि ये जानिए कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपकी डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, यानी कि चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय। इसको हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या आपका क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों बातें होंगी। अब दूसरी बात ये आती है कि चाल बराबर दूरी अपॉन समय, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है और मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमेशा गुणा करके चलेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड और इसको बदलना है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको, ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू क्या टाइम, ठीक है। तो ये आपका है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये बेसिक बात थोड़ी सी मैंने बताई है, तो यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय आपका होता है। तो ये बात ध्यान थोड़ा सा रखिए, ये आपको आगे चल के काम आएगा क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करने वाले वो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस ट्रेन के करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ आपके बेसिक चैप्टर पढ़ाऊंगा और साथ में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की भी डिस्कस करा करूंगा, तो ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ अगर हम बात करें रूल नंबर वन, तो रूल नंबर वन आपको दिखाई दे रहा है। रूल नंबर वन क्या है कि यहाँ पर अगर ट्रेन, देखिए ट्रेन, अब क्या बात आती है, जैसे ट्रेन मान लीजिए किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, किसी मैन को क्रॉस कर रही है, यानी कि आपका जो पोल है, ट्री है, मैन है, यानी नियम नंबर वन में जैसे पोल आपका आ गया, ट्री आपका आ गया, मेन आपका आ गया, अगर ये आते हैं तो जब भी रेलगाड़ी इनको पार करेगी तो उसके केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन इनटू स्पीड ऑफ द ट्रेन इनटू क्रॉसिंग टाइम, यानी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी की चाल इनटू पार करने में लगा समय। ये वाला फॉर्मूला हम हमेशा यूज करेंगे, कब, जब भी आपके क्वेश्चन में पोल आ जाए, ट्री आ जाए, मैन आ जाए, तो ये नियम नंबर वन है, यानी आप केस फर्स्ट भी बोल सकते हैं उसको, केस फर्स्ट मैंने आपका यूज करा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, केस फर्स्ट में आपका क्या क्या आएगा, तो ध्यान में रखिए आपका पोल भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, यानी कि वो चीज़ें हैं जो ट्रेन के कंपैरिजन में, यानी ट्रेन के कंपैरिजन में, ट्रेन के कंपैरिजन में, जैसे कि ये पोल है, इसकी जो लेंथ है मान लीजिए 500 मीटर है और इसकी मीटर है 0.01 इसकी मोटाई है, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी चीज़ है, ये नेगलेक्ट हो जाएगी। तो इसके केस में हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन करेंगे और इनटू क्रॉसिंग टाइम, स्पीड इनटू ट्रेन इनटू क्रॉसिंग टाइम, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक और बात ध्यान है, यहाँ जब भी ये आएगा इसके साथ हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। 5/18 से बच्चों इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं
क्योंकि लेंथ ऑफ जो ट्रेन होती है वो बेसिकली मीटर में होती है और क्रॉसिंग टाइम इसका सेकंड में होता है मोस्टली जगह, मोस्टली आपका टाइम सेकंड में होता है और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में, तो बहुत अच्छी बात है तब नहीं करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रहेगा। तो क्या पोल, ट्री, मैन अगर ये क्वेश्चन में आते हैं तो इसमें फॉर केस वन यानी नियम नंबर वन का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ अ ट्रेन विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पूरा एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किसको पार कर रही है, ये खंभे को पार कर रही है यानी पोल को पार कर रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर केस फर्स्ट लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन लिखते हैं एल इक्वल टू स्पीड क्या है 60 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 5/18 से और आपको कितना समय 30 सेकंड, ये कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। तो 6 × 3 = 18 और आपका आएगा 5 और 3 सेकंड से 3 × 2 = 20 × 23 = 60 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 25 तो ये कितना हो जाएगा 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी 500 मीटर आपका दैट इज योर आंसर। कितने के साथ चले जाएंगे आप 500 मीटर के साथ चले जाएंगे इस तरीके से। तो ये मस्तदार क्वेश्चन था, तो इजीली हो गया, तो समझ में आपको ध्यान रखेगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी रेलगाड़ी की लंबा चाल आएगी उसको 5/18 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे इनटू क्या करेंगे क्रॉसिंग टाइम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आप देखिए ये कह रहा है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ मैन, इसमें मैन आ गया यानी केस फर्स्ट के साथ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी आपका मैन पोल ट्री इस तरीके से जाते हैं तो केस फर्स्ट आपके दिमाग में एकदम सेट इमेज बनी होनी चाहिए। तो यहाँ से बात करें तो यहाँ पर आपको लेंथ दे दिया कितना है 100 मीटर है इक्वल टू स्पीड कितना है 30 5/18 से मल्टीप्लाई इनटू क्या चलते हुए व्यक्ति को पार करने में समय, समय हमारा हो गया टी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है तो कैंसिल करते हैं इसे 5 और इससे कैंसिल होगा 36 सेकेंड, 6 × 5 = 30 6 × 3 = 18। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100 × 3 अपॉन में कितना 25, इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 = कितना 12 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा यानी 12 सेकंड के आप साथ चले जाओगे यानी 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर इज 12 सेकंड आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखिए जब भी आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। देखो यार आप ही से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगर पढ़ाऊँ क्यों पढ़ाऊँ, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो पढ़ाने का फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दिया करो ताकि मुझे सपोर्ट मिले, पढ़ाने का एक मकसद मिले, मुझे टारगेट फिक्स करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आंसर 12 सेकंड आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे दे रखा है, इफ अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नियम नंबर 2 सीखना है तब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि इसमें क्या है बात हो रही है, देखिए ट्रेन रनिंग क्रॉस इतने प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो नियम नंबर 2 सबसे पहले देखिए, नियम नंबर 2 है क्या, द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस कैपिटल एल इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू क्रॉसिंग टाइम, यानी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर ये एक्स आ गया, एक्स बताऊंगा क्या है, रेलगाड़ी की चाल है और मल्टीप्लाई करेंगे पार करने में जो भी समय लगेगा। देखिए केस 2 में क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म आ जाती है, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार कर रही है, किसी केव को पार कर रही है और किसी टनल को क्रॉस कर रही है, अगर ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं क्या, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, केव, टनल, अगर ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमेशा इसको एक्स कंसीडर करना है, एक्स, तो आप चाहे एक्स की जगह एल भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है उसको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई में ऐड कर देना। भाई देखो ये प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी इधर से आपकी आ रही है, ये रेलगाड़ी है आपकी, अगर ये रेलगाड़ी आपकी आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा कि ये रेलगाड़ी के साथ ये प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है एक्स और इसकी लेंथ एल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो वो यही लिखा हुआ है। और इसकी जो भी स्पीड होगी, हमें जो भी स्पीड देगा, और हमेशा ध्यान रखें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना ना भूलें 5/18 से, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। क्रॉसिंग टाइम,
तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया, इफ अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड, कितनी स्पीड दे दी आपको, क्रॉस अप 260 मीटर प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में, 23 सेकंड में, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ जो भी है, ये क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी, ये हमने एल लिख ली, और यहाँ पर कितनी स्पीड है, 72 कितने से मल्टीप्लाई करें, 5/18 से इंटू 23 सेकेंड से मल्टीप्लाई, बेस्ट सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका हुआ एल इक्वल टू, तो ये हुआ 460 माइनस 260, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी 200 के साथ आप चले जाएंगे, योर आंसर इज करेक्ट 200 मीटर। तो यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है, आसानी से हमने निकाल लिया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो केस सेकंड आपको समझना है, ये वाला आपको केस याद रखना है। केस सेकंड में क्या है, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या था, होल ट्री और मैन क्रॉस कर रही थी, और केस सेकंड में मैंने आपको क्या बताया कि प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, केव है, टनल। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन बनते आ जाएंगे। अब तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है, कि किस तरीके से अप्रोच की जाए। तो समझ लीजिए, पहले आपको रूल्स को हमें समझना है कि इस रूल्स में क्या है, क्या बोला जा रहा है, वो हमें अप्रोच करना है, तब आपका क्या है कि आप सही अप्रोच लगाना बिल्कुल सीख जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इज इक्वल लेंथ। अब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो इक्वल है किसके, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो भी प्लेटफॉर्म की लेंथ है, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 33 सेकंड में पार कर रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये कह रहा है 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो 275 इक्वल लेंथ, यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ भी इतनी है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी स्पीड रखें उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 5/18 से, और कितना सेकंड, 33 सेकंड आपको दे रखा है। आप देखिए डायरेक्टली आंसर सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा, अगर इससे नहीं करोगे तो मीटर पर सेकंड में आंसर आया था। तो इसको ऐड कर लेंगे हम, दिस इक्वल टू 33 5/18 इंटू क्या, स्पीड, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 3, और यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया 50, तो यहाँ से और कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आ गया 6, ये 5 से 5, 10 जा 50, देखिए यहाँ पर बच गया 10, और यहाँ 1/6, और यहाँ हमने स्पीड लिखी, और स्पीड आपकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो ये आ जाएगी स्पीड इक्वल टू 10 इंटू 6, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस तरीके से आपको क्लियर आंसर निकल जाता है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, तो देखेंगे आप अगले क्वेश्चन में क्या है, एक और क्वेश्चन इस तरीके से। अब क्या है, क्वेश्चन दोनों केसों को एक साथ मिक्स कर लो, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों केसों को मिक्स करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को और देखते हैं, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी एक रेलगाड़ी की ये दे रखी है चाल, इतने सेकंड में पार कर रहा है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कर लो, ठीक है, ये आपको बताना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या करना है हमें, सबसे पहले तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई एल है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 times 2L हो गया, बराबर स्पीड 60, 5/18 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, और 32.4, देखो बेटा ये 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो यहाँ से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप करोगे 3L इक्वल टू 60 into 5, 1.8, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, L बराबर 100 और इंटू 1.8, यह आ जाएगा 180 मीटर, ये कितना आ जाएगा 180 मीटर, हम इसको डबल कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा 360 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर इज करेक्ट 360 मीटर, किसकी लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ 360 मीटर, तो ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो इसी तरीके से अप्रोच को बनाना है। देखिए अप्रोच जब बनती है हम बेसिक से चलते हैं, अगर बेसिक से चलोगे तो अप्रोच बन जाएगी आपकी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, हमेशा इस तरीके से बेसिक लेने से ही अप्रोच आती है। अगर अप्रोच बनानी है तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग चलिए, और आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है, ये गारंटी है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉस अ मैन विद द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच 150 मीटर लॉन्ग देन इट इफ द अदर ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ मैन भी है और रेलगाड़ी स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म आता है, ब्रिज आता है, केव आती है, स्टैंडिंग ट्रेन, अगर ये सब आते हैं तो हमेशा सेकेंड केस का यूज होगा। मैन, पोल्ट्री, अगर ये आते हैं तो फर्स्ट केस। सबसे पहले फर्स्ट केस का यूज करिए। फर्स्ट केस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 72, 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू कितना सेकेंड, 15 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 300 मीटर। कितना आ जाएगा, 300 मीटर। तो ये आपका 300 मीटर क्या आ गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब वो कह रहा है कि जो रेलगाड़ी खड़ी है उसकी जो लंबाई है वो उससे क्या, ये कह रहा है करो फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस द ट्रेन विच इज 150 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन देन इट इफ अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ हम जोड़ देते हैं ये रेलगाड़ी की लंबाई, रेल जो खड़ी रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 450, यानी 150 मीटर और अधिक है, 150 मीटर लॉन्ग देन, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, विच इज 50% मोर लॉन्ग, यहाँ मोर होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, मोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ स्पीड ऑफ ट्रेन 72, 5/18 इंटू क्या, टी। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 700 इक्वल टू 750, यहाँ से मैं थोड़ा हटा देता हूँ, तो यहां से हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 750 इक्वल टू 20 t, तो यहां से जीरो कैंसिल, तो t इक्वल टू आ जाएगा, तो t इक्वल टू 750 अपॉन 2, तो 37.5 सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, गारंटी से समझ में आएगा। तो मैंने क्या करा, पहला केस देखो, यहाँ केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन स्पीड 5/18 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से केस सेकंड शुरू हो रहा है, केस सेकंड क्या है आपका कि यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन है और 450 क्या हो जाएगा, जो स्टैंडिंग ट्रेन है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टी आपका हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से नियम नंबर 3 आ जाता है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा केसेज बनते हैं। तो देखिए ये डायरेक्शन का जो इफेक्ट है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या व्यक्ति है, आदमी है, कोई भी चीज़ है, अगर वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, या दो बस इस तरीके से आ रही हैं, या दो कार इस तरीके से आ रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन आप सभी समझते हैं, यानी एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, कोई भी एक इधर से आता है। तो अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात हो रही है, मान लीजिए स्पीड इसकी S1 है और इसकी स्पीड कितनी है, S2, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखिए। आप देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पुलिस वाला चोर का पीछा कर रहा है, तो वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन की बात आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये कहानी जानी चाहिए कि हमको सबसे पहले इसकी सापेक्ष गति निकालनी है। सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव RVS, रिलेटिव स्पीड निकालना है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है S1 प्लस में क्या, S2, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जब भी होंगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों स्पीडों को प्लस कर देंगे। और अगर लेंथ आ रही है, L1 और L2 लेंथ है, तो यहाँ पर लेंथ भी क्या हो जाती है, प्लस। लेंथ हमेशा दोनों ही केसों में प्लस होंगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन है चाहे वो सेम डायरेक्शन है, ये बात हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है, लेंथ हमेशा प्लस होगी। बस केवल और केवल स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस होगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी, वो माइनस होगी। यहाँ पर हमेशा क्रॉसिंग टाइम
अगर सेम डायरेक्शन था, ओवरटेक टाइम यानी पार करने में कितना समय लग रहा है, वो हम सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये केस समझ में आया, किसकी डायरेक्शन की बात हो रही है इसमें, अपोजिट डायरेक्शन, यानी दो ट्रेन है, दो मेन है, या कार या बस या मेन या ट्रेन, कोई भी चीज है एक्स वाई जेड, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन चलती है तो वो आपको कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके सामने है, इफ टू ट्रेन आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड उसने बोल दी उसने, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ईच 120 मीटर एंड दे क्रॉस ईच अदर इन ईच अदर, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे 12 सेकंड आएगा, ये लिखा हुआ 12 सेकंड में समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई सी भी एक बतानी है। तो लेंथ बराबर है, तो लेंथ क्या है, टू ट्रेन्स आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन सेम स्पीड, लेंथ दे रखी है 120 प्लस में कितना 120, स्पीड आपकी बराबर है इनटू क्या, क्रॉसिंग टाइम कितना है 12 सेकंड, तो यहाँ से कितना आया, ये आपका आ गया 240, ये आपका आ गया 2 इंटू एस, यहाँ से 24 यानी 10, स्पीड आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करना है, हमको इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर चला जाएगा, यानी कि ये आपका कैंसिल होकर हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए आप बच्चे बहुत कहेंगे सर यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, आप डायरेक्टली 5/18 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करके चल सकते हैं, तो आपका तब भी आंसर इतना ही आ जाएगा, कितना 36 किलोमीटर पर आवर, डेट इज योर आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो समझ में आया कि कौन सी डायरेक्शन थी, आपको वैसे देख रहे हैं विपरीत दिशा थी, कौन सी दिशा थी, विपरीत दिशा, तो बड़ी आसानी से आपने बना लिया। कोई डाउट, देखिए अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं इस तरीके से, तो आप मेरे जरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे आगे पढ़ाने का कुछ मकसद मिल सके, नहीं तो मुझे लेक्चर बंद करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, टू ट्रेन्स, वन 160 मीटर एंड अदर 140 मीटर लॉन्ग, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, फर्स्ट एट 77 किलोमीटर पर आवर एंड अदर 67 किलोमीटर पर, हाउ लॉन्ग विद दे क्रॉस। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वही केस लगाना है, L1 प्लस L2, ठीक है, स्पीड कौन सी डायरेक्शन है, सबसे पहले देखो विपरीत दिशा है, तो जोड़ दो दोनों को, जोड़ दिया हमने, ये आपका कितना है, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू क्या टी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0 0 300, और इसको सॉल्व करेंगे 144 5/18 इंटू टी 18, तो यहाँ से आएगा 300 अपॉन ये आपका, ठीक है, ये आपका कैंसिल कर लो, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आ गया, यहाँ गड़बड़ होगी क्या, 14 7 36 44, तो 18 5 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना है 300, ठीक, ये आपका 8 आएगा आपने, यहाँ पे 8 40, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कैंसिल कैलकुलेशन में, तो इसे 18 8 जा 8 5 4 8 यहाँ 400, ठीक है, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा 15/2, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके आ गया दिस आंसर, यानी 60.5 सेकेंड आपका आंसर है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से चेकआउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाई करना है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इस तरीके से अप्रोच बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इस तरीके से चलिए, तो गारंटी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा रूल नंबर 4 आ जाता है, सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में क्या है, सबसे पहले हम सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो मान लीजिए ये इस तरीके से दो ट्रेन चल रही हैं, इसकी लेंथ L1 है, L2 है, स्पीड S1 है, तो सबसे पहले RVS रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने के लिए, माइनस का मतलब है डिफरेंस लेंगे दोनों को, और लेंथ L1 प्लस में L2 लेंथ लेंगे, और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे और यहाँ पर क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यानी कि ये जो मैंने लिखी है सापेक्ष गति, यहाँ पर S1
एस टू यहाँ लगाएंगे, डिफरेंस का मतलब होता है कि जो स्पीड बड़ी होगी उसमें से माइनस करेंगे, लेंथ एल वन प्लस एल टू, और पार करने में जो भी समय लगेगा, जो भी ओवरटेक टाइम आएगा वो आपका यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टू ट्रेन्स आर रनिंग विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन। अ मैन इन स्लोअर ट्रेन पासिस द फास्टर ट्रेन 18 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द मीटर फास्टर ट्रेन। देखिए यहाँ पर बात को समझना है, ये दो ट्रेन है, समझने की कोशिश करना, ये दो ट्रेन है, ये आपकी तेज वाली है, तेज वाली है, और ये आपकी जो है धीमी वाली ट्रेन है, ये स्लो वाली है, स्लो चल रही है। इसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, अब इस पर्सन को पार करने में, ये फास्ट ट्रेन है, इसको जो पार कर जा रही है, तो ये जो है पूरी ट्रेन को पार नहीं कर रही है, ये केवल इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है कि जो मैन है वो, ये ट्रेन मैन के रेस्पेक्ट में, जो मैन के रेस्पेक्ट में है तो मैन वाला केस लगेगा, मैन वाला केस लगेगा, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। अब बात समझ में आती है कि हमें कौन सी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, 30 किलोमीटर में निकलो चाल से चल रही है, समान दिशा में, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड निकलेगी, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, तो यहाँ दोनों को माइनस कर लेंगे, 58 माइनस 30 इंटू क्रॉसिंग टाइम, और यहाँ जो भी है एक्स वाई जेड 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई, अब सॉल्व करना, ये कैंसिल हुआ, तो एल बराबर यहाँ आ गया तुम्हारा कितना, ये आ गया 8, यहां से तो कहां बात कर रहे थे, हाँ यहाँ बात कर रहे थे, तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2, तो ये आपकी लेंथ नहीं है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि दो रेलगाड़ी है, अगर ये दो रेलगाड़ी चल रही हैं तो ये आपकी फास्टर ट्रेन है और ये आपकी स्लोअर ट्रेन है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये इसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर मैन का केस लगेगा, और मैन का केस क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पर दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी, 58 माइनस 30 इंटू 5 बाई 18, पार करने का समय 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 28, और 18 से 18 कैंसिल, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 140 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगी, ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको इस तरीके से सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगली क्लास अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, तभी इसका नेक्स्ट क्लास और आपके प्रीवियस के क्वेश्चन मैं डालना शुरू करूँगा, नहीं तो मैं दूसरे चैनल पर चला जाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं हम, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।